सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स में हम लोग बात करेंगे सैलरी हेड की, और सैलरी हेड में हम लोग बात करेंगे परक्यूजिट्स की। और परक्यूजिट्स में बहुत सारी परक्यूजिट्स हैं। परक्यूजिट मींस द फैसिलिटीज विच आर अवेल्ड बाय एम्प्लॉय, और द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय। वी हैव टू गो फॉर देयर वैल्यूएशन। आफ्टर डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट, सम परक्यूजिट्स आर एग्जम्प्टेड, सम परक्यूजिट्स आर टैक्सेबल। सो दोस perquisites or facility which are taxable, we have to do the valuation of such perquisites. अब जरा देखते हैं तो कौन कौन सी perquisites mainly हैं जिसको हम value करते हैं। rent free accommodation सबसे important है, rent free accommodation, rent free house। अगर employer ने अपने employee को रहने के लिए घर दिया है और उसका किराया नहीं ले रहा है तो इसको बोलते हैं rent free accommodation। तो इसका valuation कैसे करा जाएगा? तो अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, मींस एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो फिर उसको अगर कोई गवर्नमेंट से घर मिला हुआ है रहने के लिए, कोई क्वार्टर या बंगला आपको मिला हुआ है, तो उस क्वार्टर या बंगला या बंगलों की जो वैल्यू है वो कैसे निकाली जाएगी? एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जिसको बोलते हैं लाइसेंस फी, वो पहले से प्री डिटर्मिंड होती है। जैसे गवर्नमेंट ने आपको कोई बंगला दे दिया रहने के लिए, आप ऑफिसर रैंक पे हैं या थोड़ा नीचे रैंक पे हैं, तो आपको कोई क्वार्टर अलॉट कर दिया, तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी? इफ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसकी वैल्यू जो होगी गवर्नमेंट रूल्स में लिखी होती है, उसको बोलते हैं लाइसेंस फी, तो वो वैल्यू टैक्सेबल होगी। और उसमें से गवर्नमेंट ने अगर आपसे कुछ चार्ज कराए तो वो माइनस कर लिया जाए। मेन बात आती है अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे पता करते हैं? तो अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दो पार्ट में सोचना है आपको। अगर घर एम्प्लॉयर का खुद का है तो अलग वैल्यूशन होगा, और अगर एम्प्लॉयर ने घर कहीं से किराए पे लिया है फिर आपको दिया है तो अलग वैल्यूशन होगा। तो अभी बात करते हैं कि इफ हाउस विच इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब घर एम्प्लॉयर का खुद का है, उसके पास बहुत सारे क्वार्टर्स हैं, उनमें से एक क्वार्टर या बंगलो उसने आपको दे दिया रहने के लिए फिलहाल, तो घर जो है एम्प्लॉयर का है, तो आपको जो घर की सहूलियत मिली है, फैसिलिटी मिली, इसकी वैल्यूशन कैसे करी जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन विच यू आर रेसाइडिंग, आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर की आबादी के बेसिस पर रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू करी जाती है। तो आबादी पॉपुलेशन के बेसिस पर घर को तीन पार्ट में आपको सोचना है, वो वाली जगह जिनकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, वो वाली जगह जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और 25 लाख तक है, और वो वाली जगह जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख तक है, मतलब छोटे टाउन जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख तक है, फिर मीडियम प्लेसेस जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है बट नॉट मोर देन 25 लाख, और बड़े वाली जगह जिनकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा। अगर ऐसे किसी शहर में आप रह रहे हैं, सपोज आप मुंबई में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली 25 लाख से ज्यादा है, ठीक है? तो वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप किस जगह रह रहे हैं, वहां की पॉपुलेशन क्या है। तो अगर आप सबसे बड़ी जगह रह रहे हैं तो आपकी सैलरी का 15% आपको जो घर मिला है उसकी परक्यूसिट की वैल्यू मानी जाएगी। अगर आप मीडियम प्लेस पे रह रहे हैं तो फिर आपकी सैलरी का 10% रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू मानी जाएगी, और अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं तो आपकी सैलरी का 7.5%, मतलब सैलरी का 7.5% या सैलरी का 10% या सैलरी का 15% आपके घर की परक्यूसिट की वैल्यू मानी जाएगी। गॉट इट? फिर साथ में अगर आपको घर के साथ साथ एम्प्लॉयर ने कोई फर्नीचर भी दे रखा है तो फिर उस फर्नीचर, अगर वो फर्नीचर भी एम्प्लॉयर का, इसको बोलते हैं फर्निश्ड हाउस, तो फर्नीचर की जो भी कॉस्ट है, एसी लगा के दे दिया उसने आपको, वार्डरोब बना के दे दिए, तो उसकी कॉस्ट का 10% और रेंटल वैल्यू में जोड़ा जाएगा। या फिर अगर एम्प्लॉयर ने आपको किराए पे लेके दिया है घर, नहीं, घर तो एम्प्लॉयर का है लेकिन जो फर्निशिंग है उसने वो किराए पे करवा के दी है, जैसे एसी आपको रेंटल, बड़ी जगह पे एसी भी रेंट में मिल जाता है, तो जो रेंट पे करा है वो घर की वैल्यू में एड करा जाएगा, एसी का रेंट, फर्निशिंग का रेंट। तो रेंट जो हाउस प्रॉपर्टी है वो आपके लिए टैक्सेबल है। रेंट फ्री अकोमोडेशन जो एम्प्लॉयर ने दिया है, अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो उस रेंट फ्री अकोमोडेशन की परक्यूसिट की वैल्यूएशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, बड़ी जगह, मीडियम जगह और छोटी जगह। बड़ी जगह है तो सैलरी का 15%, मीडियम जगह है तो सैलरी का 10% और छोटी जगह है तो सैलरी का 7.5%। अब खास बात है कि सैलरी के मीनिंग में क्या लेना है, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी के मीनिंग में क्या लेना है? तो यहां सैलरी के मीनिंग में आपको लेना है बेसिक सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल अलाउंसेस नहीं, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, अलाउंसेस का उतना पोर्शन जितना टैक्सेबल हुआ है, बेसिक सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस अदर देन प्योर डीए, डीए को अलग करते हुए, तो बेसिक सैलरी, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस अदर देन प्योर डीए प्लस ऑल रेगुलर पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई, बोनस, कमीशन, अगर कोई रेगुलर कोई कैश मिलता है तो वो भी जोड़ देंगे।
उसका 15% या 10% या 7.5% रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू मानी जाएगी। सैलरी के मीनिंग में क्या क्या है? बेसिक सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस अदर देन प्योर डीए प्लस ऑल रेगुलर पेमेंट्स मेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयर, इन सबको जोड़ लेंगे उसका 15% या 10% या 7%।